बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड का ये पूरा मामला है। सोनीपत में सागर के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही है। सागर के परिजनों ने धमकी देने का आरोप लगाया है। सुशील कुमार को बाहर निकालने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। विदेश में रह रहे मृतक सागर के भाई को भी धमकियां लगातार मिल रही है। सुशील को माफ करने और बाहर निकलवाने का बना रहे हैं दबाव, ये कहा गया है। मृतक सागर धनखड़ के परिजनों ने सुरक्षा की अब मांग की है। तो छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई 2021 को सागर की हत्या हुई थी। सोनीपत से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए अब परिजनों ने जो है कहा है कि लगातार उनको धमकियां मिल रही है। तो पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड का ये पूरा मामला जिसे लेकर आज परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुरक्षा की मांग की है। सागर के परिजनों ने धमकी देने का आरोप लगाया है। लगातार परिजनों को देखकर धमकी मिल रही है। सुशील कुमार को बाहर निकालने के लिए दबाव बनाने का आरोप परिजनों पर है। विदेश में रह रहे मृतक सागर के भाई को भी लगातार धमकियां मिल रही है। सुशील को माफ करने और बाहर निकलवाने का दबाव बना रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। 2021 का ये पूरा मामला, तो छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई 2021 को सागर की हत्या कर दी गई थी। अब ये जानकारी निकल सामने आ रही है कि परिजनों पर लगातार देखिए दबाव बनाया जा रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसे लेकर परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि परिजनों को लगातार धमकियां दी जा रही है। और हमारे साथ राम सिंह मार तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है परिजनों की तरफ से, और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि लगातार जो है धमकियां दी जा रही है, उन्हें दबाव बनाया जा रहा है उन पर, क्या कुछ परिजनों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है? मृतक के सागर धनखड़ हत्याकांड मामले को लेकर एक साल बीतने को है और परिजनों ने आरोप लगाया है कि अब उनके परिवार पर दबाव और जान से मारने की धमकी जो है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में लोगों की तरफ से, फोन की तरफ से आ रहा है और दबाव ये बनाया जा रहा है कि पूरे मसले को लेकर राजीनामा कर लिया जाए, क्योंकि सुशील पहलवान को बाहर निकलवाना है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनका बेटा जो आकाश है, आकाश धनखड़ है, वो विदेश में रहता है, उस पर भी जो है बार बार दबाव और प्रेशर और धमकी भरे फोन जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो विदेश मंत्री है उससे भी परिजनों ने गुहार की है कि उनके बेटे को सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि सुशील के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी अच्छे लिंक रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर है कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए, इसलिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपने लिए और विदेश में रह रहे बेटे के लिए मांग उठाई है। और कहीं ना कहीं अब पूरे मसले को लेकर परिवार ने एक साल बीत जाने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जहां 5 हियरिंग जो है कोर्ट में सुशील की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय जो है अभी तक नहीं आया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं परिवार सदमे में भी है और मानसिक रूप से भी परेशान इसलिए चल रहा है क्योंकि उस पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव बनाया जा रहा है कि सुशील को माफ कर दिया जाए और उसे किसी भी सूरत में बाहर निकाला जाए। इस प्रकार के दबाव और फोन जो है पीड़ित परिवार को पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उसके पिता के साथ भी कोई एक हादसा हुआ था, लेकिन उसको ये कहा नहीं जा सकता। पिता ने कहा है कि वो एक साजिश के तहत हुआ या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वैसे ही जनरली उसको टक्कर मारी गई, लेकिन पीड़ित परिवार ने आशंका जरूर जाहिर की है कि हो सकता है कि उनके परिवार के इर्द गिर्द जो है काफी लोग घूम रहे हैं और इस प्रकार जो है उनके परिवार को खतरा है और खतरे की अंदेशा को लेकर ही परिवार ने सुरक्षा की मांग की है और साथ में विदेश मंत्री से भी डिमांड की है कि वो उनके बेटे को सुरक्षा मुहैया कराए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना उनके परिवार के साथ ना घटित हो। एक बेटा वो पहले ही खो चुके हैं और ऐसी स्थिति में परिवार ने आवाज उठाते हुए अपील भी है प्रशासन से कि प्रशासन सोनीपत स्तर पर भी उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए। जी राम, क्या ये पता चल पाया है कि जो धमकी दे रहा है वो कौन है? देखिए पूरे मसले को लेकर अभी ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि परिवार का कहना है कि अन्य काफी अलग अलग नंबर से जो है व्हाट्सएप कॉल आती है और कई बार तो विदेशी नंबरों से भी शायद ये परिवार को कॉल आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके बेटे को भी धमकियां मिल रही हैं,
कई बार स्थानीय स्तर पर भी लोग जो है एक दबाव जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पंचायतों के माध्यम से भी लोग दबाव बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवार का ये कहना है कि अब उनका परिवार जो है न केवल मानसिक दबाव में है, बल्कि जिस प्रकार से बार बार दबाव सुशील को बाहर निकलवाने का बनाया जा रहा है, इससे उन्हें खतरा है कि कहीं ना कहीं उनके बेटे के साथ उनके परिवार के साथ कोई दोबारा अनहोनी घटना ना घटित हो, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राम सिंह मार।